हाई एवरी वन वेरी welcome वेलकम टू लुक गॉजेस आज इस वीडियो में मिलानी का जो मैंने मेकअप खरीदा है इसका जो हॉल शेयर किया था आप लोगों के साथ उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके मैं मेकअप करने वाली हूँ तो हम लोग देखेंगे कि मिलानी प्रोडक्ट्स का फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है मेरा जो लिंक्स हैं वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे एंड होपफुल लाइन वाइज मिलेंगे सो प्लीज़ मेक श्योर टू चेक आउट द लिंक्स गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो द वीडियो उनको जरूर चेक कर लीजिएगा फॉर बेस्ट प्राइसेज फॉर बेस्ट डिस्काउंटेड प्राइसेस प्राइस भी आपको पता चल जाएंगे एंड उन्हीं लिंक्स के थ्रू आप खरीद भी सकते हैं प्रोडक्ट्स के साथ जस्टिफिकेशन हो इसके लिए अपने चेहरे को मॉइस्चराइज़ करना बहुत जरूरी है सो फॉर डेली है स्मूथली ग्लाइड ऑन होने में हेल्प मिलता है अब मेरे पास यहाँ पर है मिलानी का मेक इट लास्ट सेटिंग स्प्रे जो कि आप प्राइम करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो सो एम जस्ट कैड फेस इसकी खुशबू बहुत प्यारी है जैसे बाकी मेकअप uh, फिक्सर्स की थोड़ी केमिकली होती है ना इसकी केमिकली नहीं है बट मेरी आंखों में लग रहा है थोड़ा तो मैं आंखों को बंद रखती हूँ तो इसके साथ यही एडवाइस रहेगा मेरा कि अपनी आंखों को मत खोलिए जब तक ये पूरा सेट ना हो जाए एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ योर ब्यूटी ब्लेंडर टू डब 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 या तो मैंने गलती से अपनी आंख खोल दी थी वाइल अप्लाइंग द फिक्सर या फिर ये थोड़ा सेंसिटिव आई के लिए नहीं सूटेबल है And it is like really really hydrating. ड्राई नहीं हुआ है सो आई एम जस्ट डैबिंग इट यूजिंग माई ब्यूटी ब्लेंडर डैबिंग द प्रोडक्ट ऑल ओवर माई फेस तो ताकि जो भी एक्सेस है वो मेरे ब्यूटी ब्लेंडर पर आ जाए आई नाउ हैव दिस मिलानी का फाउंडेशन टू इन वन फाउंडेशन प्लस कंसीलर मीडियम टू फुल कवरेज ऑयल फ्री फॉर्मूला लाइट वेट लॉन्ग वियरिंग वाटर रेजिस्टेंट एंड स्वेट प्रूफ तो बहुत सारे क्लेम्स इन्होंने दिए हैं लेट्स जस्ट ट्राई इट आउट जीरो वन क्रीमी वनीला इज माई शेड इट्स नॉट माई परफेक्ट शेड एक्चुअली मुझसे थोड़ा फेयर स्किन टोन के लिए है बट मैंने ले लिया है अब ये तो एल जी कैसा है एंड uh, मैंने बस थोड़ा सा ही लिया है बिकॉज uh, मैंने हॉल के टाइम पे जब मैंने हॉल वीडियो शेयर किया था जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा जब मैंने हॉल वीडियो शेयर किया था तो मैंने हाथ पे लगा के देखा था तो काफी ज्यादा फुल कवरेज लग रहा था सो so, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लेना ठीक नहीं रहेगा प्लस इट इज़ वेरी लाइट फ्रॉम माई स्किन टोन तो इस वजह से वैसे भी अगर मैं ज़्यादा लेती तो बिल्कुल ऑफ जाता सो so, जितना एक ही पंप लिया है मैंने वो भी मैंने आधे से ज़्यादा मेरे हाथ पे बच गया है सो एल जस्ट टेक माई ब्यूटी ब्लेंडर नाउ एंडल जस्ट कॉन डैब 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 तो इट्स अ प्रटी थिक फाउंडेशन आई रिकमेंड यूजिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर विथ दिस बिकॉज काफ़ी थिक है तो ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो थोड़ा सा प्रोडक्ट uh, एब्जॉर्ब भी कर लेता है प्लस अपनी वेटनेस की वजह से ब्यूटी ब्लेंडर इसको ड्राई होने से भी रोकता है एंड इट इज़ ब्लेंडिंग इन टू माई स्किन लाइक रर्ली रर्ली नाइसली बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है कवरेज भी मुझे काफ़ी अच्छी मिल गई है फेस पेट इज़ नॉट एट ऑल लाइट कवरेज मतलब बहुत अच्छा कवरेज बहुत अच्छा फिनिश आया है ऑल्सो इट इज़ गिविंग मी अ वेरी नेचुरल फिनिश केकी बिल्कुल नहीं लग रहा है मेरा फ़ेस लाइक like, बहुत स्मूथ है बहुत नेचुरल सा फिनिश है साथ के साथ में काफ़ी अच्छी कवरेज मिली है मेरे पिम्पल मार्क्स के जो रेड स्पॉट्स हैं वो कलर्स हैं वो सब भी हाइड हो गया है माई डार्क सर्कल्स आर नॉट दैट मच विजिबल सो जो भी अब लेफ्ट uh, है मेरे हैंड पे उसको आई एल जस्ट अपलाई एलविट ऑन माई अंडर आईज टू गिव लिल मोर कवरेज वैसे भी इन्होंने मीडियम टू फुल कवरेज लिखा है अपने फाउंडेशन पर फुल कवरेज नहीं लिखा है विच आई रियली रियली अप्रिशिएट बिकॉज बिना बात का झूठा क्लेम देने से अच्छा यू शुड ऑलवेज गिव द ऑनेस्ट क्लेम बट स्टिल मैं बोलूँगी इनके क्लेम से ज़्यादा बेटर है अभी तक जो मुझे लगा एंड अपलाई लेट अराउंड माई माउथ तो ये थोड़ा सा मेरा चेहरा जो है हाईलाइट भी कर देगा ये जो शेड है दिस इज़ द परफेक्ट शेड फॉर कंसीलिंग थिंग लाइक आई लव दिस येलो अंडर टोन वाला लाइट शेड फॉर माई स्किन टोन कंसील करने के लिए बिकॉज़ बहुत अच्छा मेरा जो फेस है वो ब्राइटेंड अप आता है इससे कलर से एंड आई जिसका नाम बलेंडेड बस यही हल्का सा अपने आईलेट पे भी लगा लिया मैंने बिकॉज आई डोंट हैव अलग से स्काई शेडो प्राइमर मिलाने का इसी से ही मेरा आईलेट जो है वो प्राइम हो जाएगा ब्लेंड बहुत आराम से हो रहा है सेकेंड लेयर लगने के बाद भी बिल्कुल भी मुझे केकी या ऐसा कुछ फिनिश नहीं लग रहा है आई रियली रियली लाइक द कवरेज प्लस आई रियली रियली लाइक हाउ इट ब्लेंड्स एंड हाउ नेचुरल इट इज लुकिंग ऑन माई स्किन एंड ऑलमोस्ट मेरे डार्क सर्कल्स जो है वो पूरी तरह से हाइड हो गए हैं इट हैज़ गिवन मी अ ब्यूटिफुल फ्लॉलेस काइंड ऑफ कवरेज विच आई टोटली अप्रिशिएट यानी का प्रेप सेट गो फिनिशिंग पाउडर आता है विच अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव राइट नाउ सो उसके जैसे सिमिलर है निक्स एच डी फिनिश पाउड

ओके okay, सो so ये ब्रूनेट शेड जो है वो एक्चुअली हॉल uh, में मैंने बोला था कि काफ़ी ज़्यादा लाइट है एंड शायद मेरे ऊपर नहीं सूट होगा लाइट आई पे नहीं सूट होगा बट ऐसा नहीं है इट्स नॉट दैट लाइट जब मैं चला रही हूँ अपने आईब्रोज़ पे इट इज़ लुकिंग प्रटी डिसेंट एंड वेरी ईजी टू यूज़ जस्ट एक बार मैंने ब्रश को डिप किया एंड ऑलमोस्ट मेरे पूरे आईब्रोज जो है, हो हैं हो गए हैं आई जस्ट नीड अ वेरी लिटिल बिट टू बिल्कुल अच्छे से फिनिश ऑफ करने के लिए इसको इसके साथ में जो स्पूली है उससे जस्ट योर आईब्रो हेयर उससे सेट हो जाएंगे साथ के साथ में प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से थोड़ा सा अब स्प्रेड uh, हो जाएगा टाइम फॉर आई मेकअप नाउ यहाँ पर मेरे पास है मिलानी का अच्छा सा फॉल्ड आई शेडो इन द शेड मिलान इसमें बहुत प्यारा सा बेबी पिंक शेड है देन वी हैव दिस ऑफ वाइट देन ये uh, सा गोल्डनिश ब्रॉन्स काइंड ऑफ शेड है एंड देन दिस इज न्यूट्रल ब्रॉन्स शेड एंड आई हैव नो आइडिया विथ शेड टू अप्लाई टू आई थिंक आई शुड गो विद दिस बेबी पिंक कलर

बिकज़ आई हैव अप्लाइड लाइक वे टू मच और स्पेशली मेरे क्रीज के ऊपर तक किया जा रहा है सो इसका ना टेक माई ब्लेंडिंग ब्रश एंड मैं अपने ब्लेंडिंग ब्रश से इसको अपनी क्रीज लाइन की तरफ से ब्लेंड कर रही हूँ जिससे कि थोड़ा सा वहाँ से कम हो जाए अब मैं दूसरी आई पे भी सेम कलर लगा लेती हूँ एंड आई एम यूज़ दिस ब्रश वच कम्स विद इट ये जो ब्रश है ये स्पॉन्ज वाला नहीं है सिलिकन वाला है आई नोटिस अभी तो आई जस्ट होप कि इससे ये आई शेडो जो है अच्छे से लग पाएगा सी ऐसा आया इस इसमें सो ब्रश से थोड़ा सा प्रोसाइस लग रहा है बट इफ यू आर गुड अप्लाइंग आई शेडोज विद योर फिंगर्स देन डेफिनेटली ऑइल्ड या मेटालिक आई शेडो उस फिंगर्स से लगाने चाहिए हैं बिकॉज पिगमेंटेशन उससे एक्सट्रीम आता है बहुत अच्छा आता है एंड ये काफ़ी अच्छे से लग गया है इट इज़ लुकिंग वेरी डिसेंट नाइस एंड नेचुरल एंड इसको आई एम थिंकिंग कि मैं साफ़ कर लूँ और ब्रश से इधर लगा लूँ तो ये जो ब्रश है ये अच्छा है एक्चुअली इससे बहुत ही आराम से आई शेडो जो है वो लग रहा है एंड थोड़ा सा पैट 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 करके लगाने पर Uh, इसका पिगमेंटेशन भी निखर करके आ रहा है एंड यू कैन डेफिनेटली यूज़ दूसरे ब्रशेज एंड फिंगर्स टू गेट इवन मोर पिगमेंटेशन ओवरऑल इट्स रियली नाइस एंड आई एम लुकिंग फॉर अ वेरी न्यूट्रल ग्लैम लुक सो मैं बहुत ज़्यादा कुछ और दूसरे शेड्स नहीं so, यूज़ कर लोगों लो ने देखा होगा कि मैं हॉल में सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इस प्रोडक्ट के लिए थी uh, जो मिलानी आई टेक परफेक्शन लिक्विड आईलाइनर है सो so, ओके okay, ऐसा है ये हाँ यहाँ से ये यह, कैप उतरा है इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। देखती हूँ आई एम नॉट गुड एट अपलाइंग अलाइनर्स देखते हैं इससे कैसा लगता है फॉइल्ड mm -hmm. आई शेडो उसके ऊपर आसानी से अलाइनर्स चलते नहीं है बट ये चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है ओके सो ये जो आई लाइनर है आई टोटली 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 लव डेट बहुत आराम से लग गया लगाते टाइम में बिल्कुल बोल नहीं रही थी बस ध्यान से लगा रही थी एंड लुक एट इट लोअर लास्ट लाइन पे भी फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसे से लिक्विड स्केच आई लग पाया है एंड दैट टू सो ब्यूटीफुली आई बहुत अच्छा है एंड जैसा मैं चाहती थी लगाना एक्जैक्टली exactly वैसा लग गया है so, तो अभी ये जो मैंने आई लाइनर लगाया दिस इज़ मिलानी आई टेक परफेक्शन लिक्विड आई लाइनर नाउ आई हैव ऑल्सो दिस मिलानी आई टेक एक्सट्रीम लिक्विड आई लाइनर आई लाइनर का भी जो टिप है दैट इज रियली ब्यूटिफुल तो इससे मैं अपने लेफ़्ट आई पर लगाऊंगी एंड मेरे दोनों पे कभी हमेशा सेम नहीं आते हैं सो आई एल जस्ट ट्राई कि सेम आ जाए दैट टू विद डिफरेंट आई लाइनर सेम आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बट स्टिल ट्राई फिर से अंदर से भी नहीं निकलता बट आई जस्ट ट्राई दैट सो अप्लाई आराम से हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं काफ़ी दिनों से थोड़े अच्छी क्वालिटी के आईलाइनर्स के सर्च में थी जो थोड़े से महंगे हों ज़्यादा अफोर्डेबल भी ना हो तो फाइनली आई हैव गॉट एंड नॉट वन टू ऑफ देम दोनों ही आईलाइनर्स जो हैं बहुत अच्छे हैं बहुत आराम से बहुत मस्त तरीके से लग गए हैं मार फेवरेट पैट मस्कारा मिलानी बिगर लैशेज मस्कारा एंड दिस इज़ द प्रोडक्ट जो मैंने पहले यूज़ किया हुआ है जस्ट वन टाइम बट आई टोटली लव दिस प्रोडक्ट बिकॉज इससे मेरे आई जो हैं बहुत ज़्यादा लंबे लंबे वॉल्यूम वाले और अच्छे से सेपरेट हो गए थे एंड लुक एट द वैंड कितना अलग सा वैंड एंड बहुत इजीली अप्लाई हो जाता है जस्ट वन सिंगल कोट ऑफ दिस मिस एंड यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ माय आईज इतना ज़्यादा वॉल्यूम एंड इतना अच्छा लगता है ये इतने बोल्ड आई लाइनर के साथ भी यू कैन एक्चुअली सी माई आई लैशेज गो अप My lower lashes have never looked so beautiful all the time, mascara. I really really like it. Take this Milani bronzer, and uh, this is in the shade 04 a glow bait something. I'll leave that in the description box below. It comes with a nice brush as well, so I'll just take the brush and I'll take a little bit on my brush and I'm just gonna apply it on the apples of my cheeks. ऑफ माई वन चीक एक्चुअली ये देखिए कितना प्यारा ब्रॉन्स ग्लो जो है वो एड हुआ है आई रियली लाइक इट मैंने एक बार पहले यूज़ किया हुआ है सो इट इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी एकदम से प्यारा सा uh, ग्लो जो है वो ऐड हो जाता है सो इट कम्स इन टू शेड्स दोनों के लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी दिस इज़ फॉर फेयर स्किन टोन जो मैं यूज़ कर रही हूँ फेयर टू मीडियम वाला एंड देन थोड़ा डार्क है जो की अगर मुझसे ज़्यादा डार्क है स्किन टोन तो आप पे अच्छा लगेगा एंड वो वाला शेड इनफैक्ट मेरे स्किन टोन पर भी बहुत अच्छा लगता है वर एम गोन डू इज़ आई एम गो टेक दिस हाईलाइटर मिलानी का सन ग्लो

दैट आई एम गई लव दिस वन एंड एग्जैक्टली वैसा है लगाने पर फर्स्ट इम्प्रेशन में भी ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी बार मैं इसको लगा चुकी हूँ सो आई एम लविंग दिस थिंग दिस इज रियली नाइस ग्लोइंग बट वेरी स्मूथ वेरी नैचुरल आई रियली लाइक इट आई हैव द मोस्ट ब्यूटिफुल प्रोडक्ट ऑफ दिस हॉल एंड दिस इज दिस टी रोज ब्लशर एंड ये बहुत न्यूट्रल से नेचुरल से शेड में है बहुत एक्सट्रीम डार्क कलर इसका नहीं है

एंड मैं यही इसी के ऊपर थोड़ा सा ये भी लगा लूँगी सो दैट मेरा फेस जो है ओवरऑल सेम लगे दोनों प्रोडक्ट्स दिखाने थे इसलिए एक गाल पे एक चीज दिखाई है एक पे दूसरी दिखाई है एंड दोनों बहुत प्रिटी हैं इट जस्ट लुक सच ग्लो टाइप वाला एंड इट लुक सो नेचुरल एंड नाइस पिंक एंड क्लोज माई आईज ना एंड फिर से मैं यही मेक एट लास्ट वाला स्प्रे जो है अपने फेस पर लगा रही हूँ आपकी बार मैं अपनी आंखें जल्दी नहीं खोलूंगी लेट एट ड्राई एक मिनट तक इसके बाद ही मैं अपनी आंखें खोलूंगी जब मुझे हो जाएगा कि आंखों के पास बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गया है एंड अब पता चल जाएगा कि आंखों में लगता है या नहीं मैंने बहुत अच्छे से टाइटली बंद रखी हैं सो आई हैव ओपन माई आईज नहीं जला बिल्कुल दिक्कत नहीं आई है सो so, पहले या तो मेरी आंखें गलती से खुली रह गई होंगी जिस वजह से अ, मेरे आंखों में जलन हुई थी अभी बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम आई मुझे एंड मेरा हाइलाइटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है आफ्टर अप्लाइंग दिस थिंग एंड सारे के सारे लेयर्स जो है मेकअप के बहुत अच्छे से स्किन में ब्लेंड हो गए हैं फेस इज़ लुकिंग रियली ब्यूटिफुल स्किन लाइक फिनिश है सारे प्रोडक्ट्स का ओवरऑल लविंग द फिनिश एंड नाउ आई हैव दिस मिलानी अमोर मैट लिप क्रीम एंड दिस इज इन द शेड क्रेज सो आई एम जस्ट गोना अप्लाई दिस ऑन माई लिप्स नाउ ओके सो लिपस्टिक इज़ वेरी नाइस सॉफ्ट मैट फॉर्मूला ज़्यादा ही पिगमेंटेड है सो लिल गोज अ लॉन्ग वे तो आप निकालिए एंड जरा सा ब्रश से लीजिए एंड देन ही लगाइए बिकॉज जैसा कि आपने देखा मेरे लोअर लिप पे इतनी ज़्यादा था कि थी कि वही मुझे अपर लिप पे ट्रांसफर करके सेट करना पड़ा बहुत इंस्टेंटली सेट हो गया इट रिमाइंड मी ऑफ काइली वेलवेट मैट लिक्विड लिपस्टिक वाला फॉमूला बहुत सॉफ्ट स्मूथ कंफर्टेबल सा फ़ील हो रहा है एंड वेरी पिगमेंटेड एंड आई रियली लाइक दिस कलर सो दिस इज़ द कंप्लीटेड मेकअप लुक जो मेरे जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो तो बहुत अच्छे हैं सभी प्रोडक्ट्स को लेके मैं थोड़ी देर के लिए लगा के रखती हूँ इस मेकअप को एंड वापस आती हूँ आप लोगों से मिलती हूँ एंड फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि आ, मतलब कुछ घंटे लगा के रखने के बाद कैसे रहे ये प्रोडक्ट्स स्व बैक आफ्टर फ्यू आवर्स एंड दिस इज हाव माई फेस लुक्स एंड मैंने कोई टचअप वगैरह कुछ भी नहीं किया है प्लस मैंने आज सच कुछ ज़्यादा कुछ खाया वाया भी नहीं है बाकी जो लिपस्टिक है हल्की सी अंदर से यहाँ से हल्की हल्की उतरी है ओवरऑल बाहर बहुत अच्छे से लगी हुई है नो क्रैक्स नो फाइन लाइंस कुछ भी नहीं बहुत अच्छे से लगी हुई है ओवरऑल ब्लशर जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है एज़ इट इज़ लगा हुआ हाईलाइटर इज़ स्टिल देयर बड़े आराम से और हल्का सा uh, um, जो यहाँ पर मुझे ज़रा सा फॉल आउट ब्लैक कलर का एक्सपीरियंस हुआ है अब वो आई की वजह से है या मस्कारा की वजह से है, नहीं कह सकते हैं एक्चुअली मस्कारा की वजह से होगा बिकॉज आई दोनों आँखों पर अलग अलग हैं और ये चमकीली जो है फॉल्ड ग्लिटर आई शेडो ये एज सच फॉलआउट तो कुछ नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा क्रैक कर रहा है बट ये क्रैक करने के बाद भी भद्दा नहीं लग रहा है बुरा नहीं लग रहा है नॉर्मल जैसे शिमरी आई शेडो ऐसे करके छोटे छोटे चंक्स लगा रखे हों कुछ उस टाइप का लुक आ रहा है तो इसका ओवरऑल बुरा लुक नहीं आ रहा है और जो फाउंडेशन है वो एज इट इज़ लगा हुआ सब है सब ठीक है यहाँ पे मेरे एक फ़ाइन लाइन है तो वो हल्का सा उसमें हर चीज़ कंसीलर हो चाहे फाउंडेशन हो कुछ हो वो ये फाइन लाइन में मेरे बैठता है तो ये वाला भी बैठा है वो दूसरी आँख में मेरे नॉर्मल है तो वहाँ नहीं बैठता है वहाँ पर नॉर्मल है और ब्रॉन्जर सा भी जो लगाया था तो उसका भी कलर जो है वो अपने आप में मेनटेंड है फाउंडेशन एज इट इज़ है ना चिपचिपा हो रहा है ना कुछ हो रहा है बहुत आराम से लगा हुआ है बट जो शेड है फाउंडेशन का वो मेरी स्किन से एक दो शेड लाइट है तो उस वजह से जहाँ पर जैसे ब्लैकनेस है मेरे आँखों के नीचे या फिर माउथ के अराउंड तो वो वहाँ पर हल्का एशी लग रहा है तो वो फाउंडेशन की गलती नहीं है वो मैंने शेड गलत लिया है तो वो मेरी गलती है और ओवरऑल uh, सब कुछ जो है वो ठीक लग रहा है आई थिंक मस्कारा का फॉल आउट है ये और ये अकेले जब मैं मस्कारा लगा कर के अच्छे से अलग से टेस्ट मुझे करना पड़ेगा और जो आई शेडो है वो थोड़ा उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं लगा हुआ है हल्का सा थोड़ा सा चंकी हो गया है बट स्टिल इट इज़ लुकिंग गुड और हाईलाइटर भी हल्का सा पहले बहुत नेचुरल लग रहा था अब थोड़ा थोड़ा सा जैसे मतलब पता लग रहा है कि हाँ भाई मैंने हाईलाइटर कुछ लगाया हुआ Overall, है ओवरऑल आज सच सारी चीज़ें ठीक है सो दीज आर माई फर्स्ट इंप्रेशन एंड थोड़ी देर लगाने के बाद वाला रिव्यू आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी हेल्पफुल लगी होगी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सभी प्रोडक्ट्स जो मैंने इस वीडियो में यूज़ किए हैं उनके लिंक्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे तो फिर फॉर प्राइस एंड ऑल प्लीज़ चेक द लिंक्स गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड उन्हीं लिंक्स के थ्रू आप खरीद भी सकते हैं मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए आप